नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ आईडीएफसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करना है। अगर आपके पास भी आईडीएफसी बैंक में अकाउंट है और अगर आप चाहते हो आईडीएफसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना है तो कैसे आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग कम्प्लीट देखते हैं तो अभी आपको यहाँ पर डिटेल से पता चलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है IDFC फर्स्ट बैंक, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही आपको टाइप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इंस्टॉल दिखाई दे रहा है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है 5 मिलियन बंदे ने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, इसी ऐप को यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड करने चाहते हो, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ओपन दिखाई दे रहा है, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अलाउ दिखाई दे रहा है, अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 1-2 सेकेंड वेट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर परमिशन को अलाउ करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉगिन। अगर आप यहाँ पर IDFC बैंक में अकाउंट ओपन करने चाहते हो, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अब मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड दिखाई दे रहा है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल पर 2 सिम है, आपको यहाँ पर सिम चूज करना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 1 ही सिम है, मतलब मेरे मोबाइल पे 1 ही सिम है, इसी वजह से यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड दिखाई दे रहा है, दोबारा प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट अपने डिवाइस को यहाँ पर वेरीफाई करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, दोबारा प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अलाउ दिखाई दे रहा है, अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 1-2 सेकेंड वेट करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास यूजर नेम है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूजर नेम फिल करना है। अगर आपके पास कस्टमर आईडी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कस्टमर आईडी फिल कर देना है। अगर आप पता करने चाहते हो आपने यूजर नेम किया है तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है, आपको यहाँ पर भूल चुके हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेट कस्टमर आईडी, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप कस्टमर आईडी पता कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर कस्टमर आईडी है, इस वजह से मैंने यहाँ पर कस्टमर आईडी पहले फिल कर लेता हूँ। कस्टमर आईडी आपके चेक बुक के ऊपर मिल जाएगा, अगर आपके पास पासबुक है पासबुक के ऊपर भी मिल जाएगा। अब कस्टमर आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर प्रोसीड दिखाई दे रहा है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने एम पिन सेट करना है। आपको बार बार ऐप को लॉगिन करने के लिए 4 डिजिट पिन फिल करके आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, तो इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है एम पिन आपको यहाँ पर सेट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, अपने हिसाब से आपको यहाँ पर 4 डिजिट का पिन सेट कर लेना है, कोई भी एम पिन आप सेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉन्फर्म एम पिन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने जो भी 4 डिजिट का पिन सेट किया है सेम 4 डिजिट पिन आपको यहाँ पर भी फिल कर देना है। एम पिन सेट करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड दिखाई दे रहा है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 1-2 सेकेंड वेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर IDFC बैंक की तरफ से SMS भी आ चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉगिन, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दोबारा आपने जो एम पिन सेट किया था वही आपको यहाँ पर एम पिन फिल करना है, तो आपके जो ऐप है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर लॉगिन हो रहा है, यहाँ पर 1-2 सेकेंड वेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्किप दिखाई दे रहा है, स्किप के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर बैलेंस चेक करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अपने बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप किसी को पैसे भेजने चाहते हो, इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप पैसे भी भेज सकते हो। अगर आप स्टेटमेंट चेक करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। और अपने जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इसी तरीके से। अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन चेक करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यू फुल हिस्ट्री, इसी के ऊपर क्लिक करना है। आपने जितना भी ट्रांजेक्शन किया है सारे कुछ आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा। मेरे यहाँ पर ट्रांजेक्शन कम है, इसी वजह से यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट पेज पर आ जाना है। अगर आप अपने अकाउंट के पर्सनल डिटेल्स चेक करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर रहने देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रहा है, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अपने पर्सनल डिटेल्स चेक करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट्स दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अपने अकाउंट के पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है लिमिट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो अपने अकाउंट के लिमिट यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, एम पिन भी सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपने रिलेशनशिप मैनेजर को पता करने चाहते हो आपके रिलेशनशिप मैनेजर कौन है, तो आपको क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक करना है, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, ईमेल कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी सुविधा मिल जाता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर कस्टमर सर्विस के भी फायदा उठा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक के मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने चाहते हो, इसी तरीके से आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट होने के बाद। तो अगर आप IDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने चाहते हो, इसी तरीके से यहाँ पर आप एक्टिवेट कर सकते हो। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को, अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूले।